फिर एक नया सीजन, फिर एक नई उम्मीद और कुछ नए प्लेयर्स के साथ विराट कोहली इस सीजन उतरेंगे एक बार फिर अपनी टीम को आईपीएल ट्रॉफी जिताने की खोज में। हालांकि पिछले साल से नए कप्तान फैफ डु प्लेसिस बना दिए गए हैं, बट एक धब्बा जो विराट कोहली के ऊपर आज भी है वो है आईपीएल ट्रॉफी ना जीत पाने का। तो क्या विराट कोहली और फैफ डु प्लेसिस जितवा पाएंगे अपनी टीम को उनकी पहली आईपीएल ट्रॉफी? देखते हैं उनकी इस साल की टीम के साथ। सो इस साल आरसीबी वाले ऑक्शन में बहुत ही स्टेबल दिखे थे, उन्होंने ज़्यादा ना प्लेयर खरीदे और ना ही ज़्यादा प्लेयर रिलीज़ किए थे। वो एक ऐसी टीम थी जिसने सबसे कम 5 प्लेयर रिलीज़ किए थे इस ऑक्शन से पहले। बहुत ज़्यादा प्लेयर रिलीज़ नहीं होने की वजह से उनके पास पैसे भी बहुत कम थे, उनके पास 8.75 करोड़ ही थे ऑक्शन में, इसलिए वो ज़्यादा बड़े प्लेयर्स के पीछे नहीं जा पाए। फिर भी आरसीबी ने कुछ बहुत ही बढ़िया प्लेयर खरीदने की कोशिश ज़रूर की, जैसे कि इंग्लिश पेसर रिस टॉपली और इंग्लैंड के 24 ईयर ऑलराउंडर विल जैक्स, जो कि बहुत ही सुर्खियों में थे इस साल। आरसीबी मनीष पांडे को खरीदने की कोशिश भी कर रही थी, बट उसे दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी टीम में शामिल कर लिया। ओवरऑल कोर प्लेयर्स को रिटेन करते हुए आरसीबी ने इस साल बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करने की कोशिश की। इस साल के लिए आरसीबी टीम को अगर देखा जाए तो इसमें हमारे गोट विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, मोहम्मद सिराज, फैफ डु प्लेसिस, हर्षल पटेल, वनिंदु हसरंगा, दिनेश कार्तिक जैसे कुछ नामी खिलाड़ी भी मौजूद हैं। एक्सपीरियंस और नामी खिलाड़ी के साथ साथ कुछ उभरते हुए टैलेंटेड इंडियन क्रिकेटर्स भी मौजूद हैं, जैसे कि शहबाज अहमद, रजत पाटीदार, अनुज रावत, आकाश देव, महिपाल लोमरोर और श्रेयास प्रभुदेसाई। तो कैप्टन फैफ डु प्लेसिस एंड विराट कोहली कंपनी चाहेगी कि इनकी लॉन्ग ड्यू आईपीएल ट्रॉफी इस साल जरूर इनको मिले और वे अपनी टीम और अपने सपोर्टर्स को कुछ खुशी के पल दे सकें।